वो देखा नहीं तुम्हारे बाप ने वो जलाया है, वो जलाया है। क्या जलाया? वो फ्लैक्स? ठीक हाँ वो जलाई है। तो है मेरी ना? बेटी लेके गई, तो मैं सारा शर्म नहीं आती, तो उसे मारना शुरू कर दी। चलो पागल, बस करो। नहीं रहे हैं, माफ तो कर दिया, ठीक है ना? जब उनकी एक जिंदगी जो शुरू हो गई है, तो फिर उसमें काहे के लिए तकलीफ देनी किसी को? तो वो देखा नहीं तुम्हारे बाप ने वो जलाया है, वो जलाया है। क्या जलाया? वो फ्लैक्स? हाँ वो जलाई है। शुरू में गुस्सा था, मुझे कुछ ज्यादा था, ठीक है ना? तकलीफ थी, वो तकलीफ नहीं दूर हो रही थी, ठीक है ना? कितने दिन से कोई रब्ता नहीं हो पा रहा था, माँ से, भाई से, किसी से कुछ पता चलता कि किधर है किधर नहीं। तो गुस्से में आके ये काम किया, ये कदम उठाया था, ठीक है ना? क्या किया था? फ्लेक्स जला दी थी, कुछ उसके ड्रेसेस वगैरह थे वो जला दिए थे मैंने, ठीक है माँ? हमने क्या करनी है ये चीजें? बार बार जब वो देखेगी इसको रोएगी, फायदा क्या है इसको देख देख से ये रोने का चीजों को? तो मैंने कहा जाया करो, ठीक है ना? फिर आपके कमेंट्स आए हैं, ये जो आप जला रहे हैं अंकल, या कुछ कर रहे हैं, किसी गरीब को दे दे या किसी को दे दे। कुछ थोड़ी बहुत चीजें थी जो जूतियां पहनने वाली उसकी, ठीक है ना? कुछ थोड़े से ड्रेसेस और थे, वो ऐसे ही हमने बांट दिए किसी में, ठीक है ना? जो नजर आया, जिसको भी था इसकी नजर में माँ की, उनको दे दू दी है, ठीक है ना? कुछ और चीजें जो अभी थोड़ी बहुत पड़ी है, ऐसे वो भी दे देंगे, ठीक है ना? यहाँ अगर हो गई कोई अल्लाह की तरफ से कोई मेहरबानी ऐसी, कोई हमारा दिल भी मोम हो गया, मेरा दिल मोम ही है बारा, ठीक है ना? कुछ हो गई कोई ऐसी, कोई अल्लाह की करम नवाजी, तो इंशाल्लाह अपनी चीजें इसकी बड़ी हैं, दे देंगे। ऐसे हमारे किस काम की हैं, हमने क्या करनी है, ठीक है ना? इनकी है, इनकी रहेंगी, जो दी गई हैं, जो जल गई हैं, बस गुस्से में बस खत्म करें उसका कहते किस्सा कपड़े करें। दिलाए, फ्लैक्स मेरी दिलाई है, तुम अभी भी उम्मीद रखते हो उनसे मिलने की? तो हाँ भाई, हमारे लिए जो चीज हमारे पास से गई है, वो कौन सा कोई एक गुड्डी या गुड्डा या कोई खिलौना था, ठीक है ना? चलो पागल, बस करो। वीडियो तो बेचा भी बार बार नहीं है इस तरह रोई हाँ से। हाँ लोकी ठीक है फिर ना? मामा तानू कुछ हाँ कह ना रो रहन दो। अगले दे कमेंट से इस तरह दे आ जाते हैं ना, अगले कहते हैं ड्रामा कर रहे हो आप, ये नया ड्रामा शुरू हो गया है, ठीक है ना? वो इस तरह दे अगले कमेंट देते हैं। भाई हम ये कोई ड्रामा वगैरह नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, शुरू से आपको दिखा रहे हैं जो तफसील चल रही है, शुरू से दिखा रहे हैं, कोई ड्रामा नहीं है इसमें, कोई ऐसी भी बात नहीं है, ठीक है ना? जो है रेल आपको दिखा रहे हैं हम, ठीक है ना? हमारी तरफ से कोई ड्रामा नहीं चलेगा, जो होगा रेल दिखाया जाएगा आपको, ठीक है ना? आपके कमेंट्स आते हैं ऐसे ऐसे गलत, यार गलत बात है, अच्छी बात ही नहीं है ऐसे गलत कमेंट्स करने की, ठीक है ना? डरना चाहिए अल्लाह से, ऐसे गलत या इतने गंदे अल्फाज कमेंट्स में नहीं इस्तेमाल करने चाहिए मेरा भाई, जो भी है आप, ठीक है ना? गलत अल्फाज ना करें, नहीं आपको पसंद है, नहीं आपको ये चीज समझ आ रही, आप यार स्क्रिप कर दो, आगे कर दो वीडियो को, मत देखो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना? आपकी समझ में आ रही है ठीक है, नहीं समझ में आ रही आप बंद कर दो इसको, ना देखो, ठीक आपको है हम ना? जान के तो नहीं कह रहे कि देखो लास्ट में देखो हाँ, इसे। गलत कमेंट्स करने से, गलत अल्फाज निकालने से, और मेरा भाई मुझे नहीं आपकी गाली लगेगी, ठीक है ना? अल्लाह ने फरमाया ये गाली ऊपर जाती है, ऊपर से उसी शख्स के ऊपर आती है जो बकता है, ठीक है ना? क्योंकि वो गलत बक रहा है अल्फाज ही, तो मत बका करें, ठीक है ना? एक आज मैंने आज की वीडियो में देखा कमेंट्स, एक कह रही आपका घर कितना गंदा है, कुछ सभा भट्ट की नाम है उसका, तो वो कह रही आपका घर कितना गंदा है, और बीबी कौन सा घर गंदा है, सफाई करती है माँ बेचारी रोजाना सफाई करती है। अब आप कहोगे ये दरवाजे गंदे, अब इनको मैं कलर तो नहीं करवा सकता, मैं अपने किराए अफोर्ड करूँ, खर्चे अफोर्ड करूँ, बिजलियों के बिल अफोर्ड करूँ, ये इन पे रंग करवाता रहूं मैं? हम तो अपनी जिंदगी चला रहे हैं, हमारी अल्लाह का शुक्र है चल रही है, ठीक है ना? तो हम खुश भी हैं। हाँ जी, हाँ ठीक है, कोई बच्चों को इनमें से कोई आनी शुरू होएगी, कोई अर्निंग शुरू होएगी, कुछ पैसा ऐसे कुछ चार आएंगे, तो हम अपनी घर बनाएंगे, ठीक है ना? अपनी जगह लेंगे, अपना घर बनाएंगे, उसको साफ सुथरा सारी बात रखे, थोड़े से अच्छे हैं या गंदे हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हर सूरत में, ठीक है ना? कम खाए ज्यादा खाए, अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है, ठीक है ना? करके खा रहे हैं, किसी से मांग के नहीं खा रहे हैं हम, अल्लाह का बहुत शुक्र है, ठीक है ना? ये जितना भी हमने इस कमरे में ये अपनी थोड़ी सी तैयारी करवाई थी सैरिस के लिए, ये चांद के लिए, ठीक है ना? ये इसीलिए करवाई थी कि चलो इधर बैठ के कुछ व्लॉगिंग किया करेंगे, कुछ अपनी टिकटॉक बना लिया करेंगे, मगर बस उसकी जिंदगी कुछ ऐसे लिखा हुआ था किस्मत में,
वो चले गए ठीक है कोई बात नहीं, उनकी जिंदगी उनके साथ, अब हम हैं बच्चे हैं हमारे दो, दानिश है चांद है, यहाँ पे बैठ के करें अपनी सेटिंग, ये बैठे हुए कर रहे हैं ना हम, इसीलिए किया था, जिस तरह कोई थोड़े से पैसे मेरे बचत होती जाएगी, कुछ ना कुछ कमरे में भी करते जाएंगे, जब कोई अल्लाह पाक इतना देगा तो अपना साफ सुथरा घर बनाएंगे बहन, क्यों नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। ऊपर से आपने कहा तौबा तौबा हो तौबा, बेटा किस बात की तौबा, अल्लाह से डरना चाहिए, नहीं किसी को इतना गलत कहना चाहिए, ठीक है ना, गंदा या वो, हम इतने भी गंदे नहीं है जितना आपने बना दिया हमें गंदा, ठीक है ना। कौन सी चीज देख ली है, सफाई होती है, झाड़ू देते है, पोछा लगता है घरों में, ठीक है ना, सारी सफाई होती है। वो सिर्फ पापा बताओ ना, मोबाइल का रिजल्ट इतना साफ नहीं है, इस वजह से आपको सही नहीं नजर आता। वो अगर मोबाइल अब उनके पास ही, उन्होंने इतनी देर से ये मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो अब यही उसने करना है, उसको कोई एक्स्ट्रा पैसे या एक्स्ट्रा सैलरी ऐसी कोई आती नहीं है कि वो अपना मोबाइल चेंज कर सके, ठीक है ना। ये भी उसने कोई कमेटी डाली हुई थी ओप्पो का, उसने रिनो 6 है ना मोबाइल वाला तेरे वाला जी, रिनो 6, तो ये भी उसने मेरे ख्याल कुछ नहीं 63,000 रुपए का लिया था उस टाइम, 63 का 65 65,000 रुपए का लिया था उस टाइम, ठीक है ना, तो ये कम पैसे तो नहीं है बेटा, ठीक है ना, 65,000 का उसने लिया था ये मोबाइल, आपने एक मिनट में कह के रख दिया, हमें ही हमारी नजरों में गिरा रहे हो कि गंदा घर तौबा, आप पहले घर की सफाई करें, ब्लॉगिंग छोड़े, गलत बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए किसी को भी, ठीक है ना, अल्लाह से डरना चाहिए, जो भी बोले अल्लाह से डर के बोला करें, ठीक है ना। आजकल इंसान भूल ही जा रहा है ये चीज को, इतने गलत अल्फाज निकाल रहा है मुंह में से, अल्लाह से डरता ही नहीं है, ठीक है ना। अल्लाह अपनी हिफाजत में पनाह में रखे, फलस्तीन का हाल देखने क्या हो रहा है, अल्लाह पाक उनकी मदद करे, ठीक है ना। ये गलत अल्फाज निकालने के बजाय हमें उनके लिए दुआ मांगनी चाहिए, ठीक है ना, दिन में अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उनको हिफाजत में अपनी पनाह में रखे, ठीक है ना। मुसलमान देश है वो भी मुसलमान है, बहरहाल गलत कॉमेंट्स ना किया करें, मुझे ही नहीं अल्लाह को भी ये गलत तो लगता है, ठीक है ना। तो जो चीज़ अल्लाह को बुरी लगे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, मेहरबानी आपके, ठीक है ना। आज की वीडियो इतनी थी हमारी, ठीक है ना, तो बस इजाजत दीजिए, नेक्स्ट आपके साथ फिर दोबारा शेयर करेंगे। अगर आपको पसंद आई है तो सिर्फ सब्सक्राइब लाजमी कर देना, और अपना और अपने प्यार का रखना ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को रखना दुआओं में याद। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा।